मान लो कि आप आराम से बैठे हुए हो और तभी कोई आ करके आपसे बोले कि तुम अपने शरीर से बाहर निकल करके दूसरी जगहों को, दूसरी डायमेंशंस को, दूसरे वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भले ही आप उस टाइम कुछ भी सोचो, बट ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में। अगर आप ऐसी चीजों के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर लिया हो। नहीं तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। एस्ट्रल ट्रैवल इसका मतलब होता है अपने शरीर से बाहर निकल करके दूसरी जगहों, दूसरे वर्ल्ड्स, दूसरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना। वैसे तो अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में थ्री डायमेंशंस होती हैं, बट अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो हमें ये मालूम चलेगा कि डायमेंशंस की कोई संख्या ही नहीं है, ये इन्फिनिट लेवल तक जाती हैं। क्योंकि हम पांच ज्ञानेंद्रियों के बीच फंसे हुए हैं, हमें चीज़ें सीमित यानी लिमिटेड नज़र आती हैं। अगर हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से परे हो जाएं, तब हमें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और यह कितने अनंत तक जाती है। सुनने में ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, बट जब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। एस्ट्रल ट्रैवल, लूसी ड्रीम, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, दूसरे के मन को कंट्रोल करना, सोल ट्रांसफर, ये सारी चीजें हमारे पुराणों और शास्त्रों में पहले से ही मौजूद हैं और वेल एक्सप्लेन्ड हैं। लेकिन कोई इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो लोग इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं वो इस दुनिया से परे हैं, वो मोह माया से मुक्त है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे साधु संत, जो कि हिमालय की पहाड़ियों पे कई सौ सालों से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं भूख लगती है, नहीं प्यास, नहीं उन्हें एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है, नहीं उन्हें ठंडी लगती है, नहीं उन्हें गर्मी। हमारे पास कोई ऐसा पक्का प्रूफ तो नहीं है जिसमें कोई आदमी बोल रहा हो कि मैं तपस्या करता था इतने सौ सालों से, लेकिन इंटरनेट पे आपको बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हिमालय में है कुछ ऐसे लोग जो कि कई सौ सालों से तपस्या करते आ रहे हैं और अभी भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें ये मालूम चलता है कि वो सही मायनों में एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई साधु संत इतना ज्ञानवान कैसे होता है मात्र एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए? हम लोग यहाँ पे वो झूठे ऐसे साधु संतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम असली साधु संतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास भरपूर ज्ञान का भंडार होता है। और वो ऐसा सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं और अलग अलग दुनियाओं, अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें नहीं उन्हें भूख लगती है, नहीं प्यास, नहीं उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एस्ट्रल वर्ल्ड में 5 घंटे भी इधर उधर घूमो तो रियल वर्ल्ड का मात्र 5 मिनट ही होता है। ऐसे में वो वहाँ कई सौ सालों तक घूम लें फिर भी रियल वर्ल्ड का बहुत कम टाइम ही होगा, तब आप अनुमान लगा सकते हो कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती और उनके पास इतना ज्ञान कैसे होता है। हमारे शास्त्रों में लूसी ड्रीम, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बॉडी स्विचिंग, माइंड स्विचिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर भरपूर चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हमें ज़रूरत है तो उसे पढ़ने की और उसे समझने की। और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जा करके मेडिटेशन यानी ध्यान से जा करके मिलती। और आप ध्यान का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओ तब आप सोच भी नहीं सकते कि ये ध्यान आपको कितना फ़ायदा करेगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल करने के कौन से तरीके हैं और उसके बाद हम अपना लूसी ड्रीम का सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन को भी दबा लिया हो। वैसे तो हम बोलते नहीं हैं बट ठीक है।